Good morning, students. Today I will going to explain your next chapter in class 10th, that is body types. Body types is described by William Sheldon in 1940. He is a psychologist and he gave a term called somatotypes. Somatotypes mean a term to explain the body types. Somatotype is a word chosen from the Greek word means somato. Somato ka jo mainly meaning hota hai, wo hota hai body. Okay? So, let's start the chapter. I think aapko isme interest aayega kyunki isme aapko aapki body ke liye janne ke liye mil raha hai. Okay? Start karte hain. William Sheldon ne body types ko 3 parts mein divide kiya hai. Yani ki jitne bhi log is duniya mein present hain, unko kisi na kisi body type ke criteria mein bandha hua hai unhone. Jo bhi ye 3 types hain, un padhte hain. फर्स्ट है हमारा एंडोमॉर्फ्स. उसमें ऐसे लोग आते हैं जिनकी हाइट कम होती है बट वो फैटी होते हैं, इट मीन्स वो मोटे होते हैं. सेकंड आपका है मेसोमॉर्फ. इसमें एक लिमिटेड हाइट होती है जो क्राइटेरिया गुड क्राइटेरिया ऑफ हाइट होता है और उनका जो बॉडी फैट होता है बहुत ही कम होता है. एक्टोमॉर्फ में वो लोग आते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है और पतले शरीर के होते हैं, इट मीन्स दैट उनके में मसल्स कम होती हैं और वो वेट गेन भी इजिली नहीं कर सकते हैं. तो अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं इस बारे में. Endomorphs. Endomorphs have lots of body fat, lots of muscles and gain weight easily. It means that endomorphs body types जो होते हैं उनके में body fat ज़्यादा होता है, muscles ज़्यादा होती हैं और वो अपना weight को easily gain कर सकते हैं. Football linemen tends to be endomorph. They are heavier and rounder individual. They are heavier. It means that जो football के linesmen होते हैं वो भी endomorphs होते हैं. They are heavier, वो heavier होते हैं in size and rounder individual. और उनकी जो body shape होती है एक तरीके से rounder होती है. And they don't have to necessarily to be overweight. और ये ज़रूरी नहीं है कि वो overweight हो भी सकते हैं और नहीं भी सकते हैं. जो इसका एक particular type endomorph का वो ऐसा कहता है कि football के जो linemen होते हैं वो heavier होते हैं. और अगर हम लोग बात करें sportsmanship की, तो जो स्पोर्ट्समैन हमें दिखते हैं एंडोमॉर्फ वो ऐसे स्पोर्ट्स में होते हैं जैसे कि हमारे सुमो रेसलर्स होते हैं, ठीक है, और कुछ टाइप्स के बॉक्सर होते हैं, रेसलिंग में होते हैं, ये प्लेयर्स जो होते हैं वो हमें एंडोमॉर्फ देखने को मिल सकते हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप. जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है दे हैव बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कैन डाइजेस्ट हार्ड फूड. दिस गिव देम मोर एनर्जी. इट मीन्स दैट उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बहुत ही अच्छा होता है और वो हार्ड फूड को भी इजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको एनर्जी ज़्यादा लेवल पे मिलती रहती है. सेकंड पॉइंट हमारा देयर एब्डोमेन इज लार्ज फुल अबव द नेवल. इट मीन्स दैट उनका जो एब्डोमेन होता है वो लार्ज होता है और फुल अबव द नेवल यानी कि नेवल के आगे तक होता है. दे हैव शॉर्ट एंड थिक नेक चेस्ट विथ फैटी ब्रेस्ट. इट मीन्स दैट जो उनकी नेक होती है वो छोटी होती है और थिक यानी कि फैटी होती है. फोर्थ पॉइंट हमारा देयर पाम आर ब्रॉड विथ शॉर्ट फिंगर्स. इट मीन्स दैट जो उनका पाम होता है यानी कि हथेली वो चौड़ी होती है बट उनकी फिंगर्स छोटी होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट दे हैव थिक एंड हेयरी टाइप ऑफ स्किन. इट मीन्स दैट जो उनकी स्किन होती है वो मोटी होती है और उसमें हेयर्स होते हैं. आपने देखी होंगी जिसमें स्किन जो होती है बाल ज़्यादा होते हैं वो एंडोमॉर्फ टाइप होता है. दे एक्ट फर्स्ट एंड थिंक आफ्टरवर्ड्स. इट मीन्स दैट पहले वो कोई भी काम कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं. नेक्स्ट पॉइंट दे हैव हैवी बटक्स एंड हैवी लेग्स. इट मीन्स दैट जो उनकी कमर होती है वो हैवी होती है और लेग्स जो होते हैं उनके वो भी हैवी होते हैं. इट मीन्स दैट लेग्स हैवी का मतलब है हमारा मेनली थाइस से. जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे आर वेरी सोशल एंड लाइक सोशल गैदरिंग. इट मीन्स दैट वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति होते हैं और उनको सोशल गैदरिंग यानी कि मिलना मिलाना बहुत पसंद होता है. दे आर रेडी टू हेल्प द पीपल व्हेन दे आर इन ट्रबल. इट मीन्स दैट वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं जब दूसरा कोई भी उनसे हेल्प लेने जाता है अपनी परेशानियों में. दे मेंटेन इन रिलैक्स्ड मूड एंड डू नॉट फील इरिटेटेड ओवर स्मॉल इश्यूज. इट मीन्स दैट उनका जो मूड होता है यानी कहते हैं जो मेंटालिटी वो हमेशा रिलैक्स मूड में रहते हैं ज़्यादातर, जिससे कि उनको किसी भी छोटे मोटे इश्यूज को लेकर ज़्यादा इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना वो इरिटेट होते हैं. अब हम लोग बात करते हैं गेम्स में. तो इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स दे टेक अप द एक्टिविटीज सच एज पावर लिफ्टिंग,
हैवी वेट लिफ्टिंग, थ्रोइंग इवेंट्स एंड इवन शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस। इट मीन्स दैट जो हमारे ये एंडोमॉर्फ टाइप के प्लेयर्स होते हैं वो मेनली पावर लिफ्टिंग, हैवी वेट लिफ्टिंग, थ्रोइंग इवेंट्स और इवन शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो हमारे थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं वो आपको पता ही होंगे, फोर टाइप्स के होते हैं, शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिन थ्रो एंड हैमर थ्रो। तो इनमें मेनली पार्टिसिपेट करते हैं। मेसोमॉर्फ आर एथलेटिक, सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग। मेसोमॉर्फ की जो पर्सनालिटी होती है उसको हम लोग एथलेटिक बॉडी टाइप भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ उनकी जो पर्सनालिटी होती है मसल्स सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे आर नॉट ओवरवेट एंड नॉट अंडरवेट। इट मीन्स दैट ना वो ओवरवेट होते हैं और ना अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं। इट मीन्स दैट उनकी जो बॉडी टाइप होती है वो परफेक्ट बॉडी टाइप में काउंट करी जाती है। एंड दे कैन ईट व्हाट दे वांट। वो हर चीज़ खा सकते हैं जो खाना चाहें, विदाउट वरिंग टू मच, बिना किसी कन्फ्यूजन के कि उनका वेट ओवरवेट हो जाएगा या ऐसा कुछ। दे बोथ गेन एंड लूज वेट विदाउट टू मच एफर्ट। इट मीन्स दैट वो बॉडी का जो वेट होता है अपना उनका, वो ईजिली गेन भी कर सकते हैं और ईजिली उसको लूज भी कर सकते हैं। हम लोग अगर बात करते हैं एथलीट्स में, तो जो मेनली एथलीट्स आते हैं जैसे हमारे रनर हो गए, रेसर्स हो गए, जो स्प्रिंट वाले होते हैं वो हमारे मेसोमॉर्फ में आते हैं। और इसमें कौन से प्लेयर्स आते हैं, जैसे हमारे फैशन मॉडल्स होते हैं जिनकी एक परफेक्ट पर्सनालिटी होती है, वो मेसोमॉर्फ में आते हैं। ना ही ज़्यादा लंबे, ना ही ज़्यादा छोटे, और ना ज़्यादा फैटी, ना ज़्यादा थिन। ये जो परफेक्ट यानी कि जो बोल सकते हैं जो मिडिल का बॉडी टाइप होता है वो हमारा मेसोमॉर्फ का होता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दे आर मीडियम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नोन एज एथलेटिक टाइप ऑफ पर्संस। इट मीन्स दैट जो हमने अभी तीन टाइप्स पढ़े हैं स्टार्टिंग में, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, तो जो इनकी पर्सनैलिटी होती है वो मिडिल में होती है, ना ही एंडो में आते हैं और ना ही एक्टो में आते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी होती है मीडियम वाली, इसको हम लोग एथलेटिक टाइप पर्संस भी बोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देयर नेक इज स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग, शोल्डर्स आर ब्रॉड विद हैवी एंड प्रोमिनेंट क्लेविकल बोन्स। इट मीन्स दैट जो इनकी नेक होती है वो लंबी होती है थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग होती है। जो इनके शोल्डर्स होते हैं वो चौड़े होते हैं एंड हैवी प्रोमिनेंट क्लेविकल बोन्स होती हैं। क्लेविकल बोन्स मतलब जो कॉलर बोन होती है, शोल्डर ब्लेड जिनको बोला जाता है। देयर एब्डोमेन इज लार्ज विद लो वेस्ट। इट मीन्स दैट जो इनका एब्डोमेन होता है, पेट, वो लार्ज होता है थोड़ा सा और कमर इनकी पतली होती है। दे हैव हैवी बटक्स विद हैवी फोर लेग्स। इट मीन्स दैट जो इनके बटक्स होते हैं नितम, वो हैवी होते हैं और इनके फोर लेग्स भी हैवी होते हैं, जिससे कि उनको मेन रनिंग में ईजी रहता है और लेग्स एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, देयर स्किन इज रफ एंड द कॉम्प्लेक्शन इज नॉट सो गुड। इट मीन्स दैट उनकी जो स्किन होती है वो रफ होती है और उनका कलर मेनली कॉम्प्लेक्शन में होता है, तो नॉट गुड बोलते हैं उसको, बिकॉज हो सकता है वो सांवले रंग के हों इस तरह से। दे आर क्विट डोमिनेंट, एनर्जेटिक एंड लव टू टेक रिस्क। इट मीन्स दैट वो डोमिनेंट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए, और उनको रिस्क लेना एक तरीके से अच्छा लगता है, और जो रिस्की वर्ड्स होते हैं उनसे उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। दे आर बोल्ड, ब्रेव एंड टेक एक्शंस क्विकली वेन एवर दे फेस एनी प्रॉब्लम्स। वो बोल्ड होते हैं, ब्रेव होते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम में वो एक्शन लेने में देर नहीं लगाते हैं, वो तुरंत उस चीज़ के लिए एक्शन लेते हैं। दे आर करेजियस एंड क्लियर माइंडेड एंड शो डायरेक्टनेस इन एनी काइंड ऑफ वर्क। इट मीन्स दैट वो करेजियस होते हैं और मतलब बहादुर होते हैं, क्लियर माइंडेड यानी कि उनको किसी भी तरीके की जल्दी कन्फ्यूज़न नहीं होती है, और अपने किसी भी वर्क को लेकर वो डायरेक्ट काम करना पसंद करते हैं, किसी भी कन्फ्यूज़न में नहीं आते हैं, इसका मतलब है। एक्टोमॉर्फ आर लॉन्ग एंड लीन। इट मीन्स एक्टोमॉर्फ जो होते हैं वो हाइट में लंबे होते हैं और लीन इट मीन्स पतले होते हैं, विद लिटिल बॉडी फैट, उनमें हल्का बहुत बॉडी फैट होता है, एंड लिटिल मसल्स, और मसल्स भी थोड़े कम मात्रा में होती है। दे हैव अ हार्ड टाइम गेनिंग वेट। इट मीन्स दैट उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वेट को गेन करने के लिए। दे आर फैशन मॉडल्स एंड बास्केटबॉल प्लेयर्स फिट फॉर दिस कैटेगरीज। इस कैटेगरीज में जनरली जो फैशन मॉडल्स आते हैं वो आते हैं, और जो बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो आते हैं, बिकॉज बास्केटबॉल प्लेयर्स जो होते हैं उनकी हाइट काफ़ी होती है। और ऐसा ही एक सिमिलर गेम और है जिसको बोलते हैं वॉलीबॉल, तो इट मीन्स दैट वो बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल प्लेयर्स जो हाइट मैच करते हैं वो बॉडी टाइप होता है हमारा एक्टोमॉर्फ का, क्योंकि वो पतले होते हैं और लंबे होते हैं साथ में। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप्स,
दे हैव पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द एनर्जी आउटपुट इज ऑल्सो लेस। इट मीन्स दैट उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कुछ खास नहीं होता है, इस वजह से उनको एनर्जी आउटपुट भी अच्छा नहीं मिल पाता है। देयर फेस इज स्मॉल, फोरहेड एंड चिन इज पॉइंटेड एंड नोज इज शार्प। इट मीन्स दैट जो उनका फेस होता है वो स्मॉल होता है, फोरहेड एंड चिन पॉइंटेड होती है यानी कि नुकीलीदार होती है, और जो नोज होती है वो शार्प होती है। दे हैव लॉन्ग स्लेंडर नेक, लॉन्ग नैरो थोरैक्स, ड्रूपिंग एंड हैंगिंग शोल्डर्स विथ लॉन्ग आर्म्स। इट मीन्स दैट जो उनकी गर्दन होती है वो लंबी होती है, नैरो थोरक्स होती है यानी थोरक्स एरिया जो होता है वो पतला होता है। ड्रोपिंग एंड हैंगिंग शोल्डर्स, इट मीन्स दैट जो उनके शोल्डर्स होते हैं वो एक तरीके से टंगे टाइप में लगते हैं विद लॉन्ग आर्म्स, उनकी आर्म्स जो होती है लंबी होती हैं। दे हैव थिन बटक एंड लॉन्ग थिन लेग्स। इट मीन्स दैट जो उनकी बटक यानी कि नितंब या कमर बोल सकते हैं वो पतली होती है, और लॉन्ग थिन लेग्स, और जो उनके पैर होते हैं वो पतले होते हैं बट लंबे होते हैं, उसकी वजह से उनकी हाइट जो होती है काफ़ी लंबी होती है। देयर हैंड्स आर स्मॉल बट फिंगर्स एंड टोज आर लॉन्ग। उनके जो हैंड होते हैं मतलब पाम की बात हो रही है यहाँ पे, वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, बट जो उनकी फिंगर्स होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं और टोज भी उनके लंबे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर टॉल एंड थिन बिल्ट विथ पुअर वाटर कैपेसिटी। इट मीन्स दैट उनकी जो हाइट होती है वो लंबे होते हैं, थिन पतले होते हैं, और उनकी वाटर कैपेसिटी पुअर होती है। वाइटल कैपेसिटी टर्म जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वाइटल कैपेसिटी मीन्स जो होता है जो हम लोग डीपर इनहेल करते हैं और डीपर जो एक्सहेल करते हैं उस क्वांटिटी, उस एयर की क्वांटिटी को हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है। वो नॉर्मल पर्सन्स में 3500 cc होती है और उसको हम लोग 5000 cc तक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर रिफ्लेक्शन आर क्विक बट एक्शन आर वेरी स्लो। इट मीन्स दैट किसी भी चीज़ को या प्रॉब्लम को लेकर उनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही क्विक होता है, बट उसको लेके जो एक्शन होता है वो काफ़ी स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे फील इरिटेटेड, ओवर टेंस्ड एंड एक्साइटेड। वो इरिटेशन फील करते हैं, ओवर टेंस यानी कि टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, और किसी भी काम को करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। वेन एवर दे फेस एनी ट्रबल एंड वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन। इट मीन्स दैट वो ये कंडीशन तब आती हैं जब वो किसी भी ट्रबल को फेस कर रहे होते हैं या उनको अकेले छोड़ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे टेक अप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड इवन लॉन्ग ड्यूरेशन इवेंट्स। और वो लोग इन गेमों में सामने आते हैं। इट मीन्स दैट किसमें बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में, और जो भी जिनमें लॉन्ग पर्सन्स इस्तेमाल किए जाते हैं या एथलीट्स इंटरेस्ट लेते हैं उनमें ये भी होता है। स्प्रिंट रेसेस भी हो सकती हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन रेसेस भी हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आज का हमारा चैप्टर था बॉडी टाइप्स वो अब ख़त्म हो चुका है। तो जो भी आपको डाउट्स हों वो आप मुझसे कमेंट करके या मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। इसमें आपको जो ना आया हो या जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप क्लियर करें। थैंक यू।